जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो सबसे बढ़कर प्रियतम हो, जो प्राणों का आधार हो, जो जीवन का एकमात्र अवलंबन हो, जिसकी स्मृति और मिलन की आशा ही जीवन में प्रतिपल चेतना प्रदान करती हो, उसे क्षण भर के लिए भी कैसे भुलाया जा सकता है। कोई कहे कि दिन रात में 2 घंटे भले ही उसे स्मरण कर लिया करो, शेष 22 घंटे घर के दूसरे आवश्यक कामों में खर्च किया करो, पर ऐसा करना उस प्रेमी के लिए कैसे संभव हो सकता है। उसे कितने ही घंटे कुछ भी काम क्यों न करना पड़े, वह करेगा अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए ही। उसे वह क्षण भर के लिए भी अपने हृदय मंदिर से अलग नहीं कर सकता। हृदय में उसकी झांकी सदा खुली रहेगी। वह उसके दर्शन करता हुआ ही यंत्र की भांति शरीर से कार्य करता रहेगा। ऐसे अनन्य चेता सतत और नित्य चिंतन में लगे रहने वाले प्रेमी को भगवान नित्य प्राप्त ही रहते हैं। वे उसके अंतर्दृष्टि से कभी ओझल ही नहीं होते। इसी स्थिति को प्राप्त भक्त सूरदास जी ने कहा है कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोई, हृदय ते तब जाओगे सबल बदूंगो तो ही। इसी तन्मयता में लीन गोपियां प्रति क्षण प्रत्येक कार्य करते हुए समय प्रियतम श्याम सुंदर के गुणगान करती हुई आंसू बहाया करती थी, भाग्यशालिनी ब्रजांगनाओं की बड़ाई करते हुए भागवताकार भगवान व्यासदेव जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण में चित्त को अनुरक्त रखने वाली ब्रज वनिताओं को धन्य है जो गोद होते, दही मंथन करते, घर लीपते, झूला झूलते, रोते हुए बालकों को लोरी देते, झाड़ू देते, चौका लगाते तथा विश्राम करते समय सर्वदा पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाती हुई गदगद स्वर से उनका गुण गाया करती हैं। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यों भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेम प्राप्त होने पर यह कहना नहीं पड़ता कि अमुक समय तक अमुक संख्या से उन्हें याद किया करो। संख्या या समय का हिसाब कौन रखे, जब एक क्षण भर के लिए स्मृति चित्त से नहीं हटती, तब हिसाब किताब की बात ही कहाँ रह जाती है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को सीता जी का संदेश सुनाते हुए श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, सीता जी प्राण त्याग करना चाहती हैं परंतु प्राण निकल नहीं पाते। सीता जी कहती हैं कि नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुमार कपाट। प्राण कैद हो गए हैं, 8 पहर आपके ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं, आपका ध्यान कभी छूटता नहीं, आपकी श्याम तमाल माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती ही नहीं। यदि कभी किवाड़ खोले भी जाएं तो बाहर रात दिन पहरा लगा रहता है। पहरेदार कौन है? राम नाम। क्षण भर के लिए राम नाम लेने से जिह्वा विराम नहीं लेती तो प्राण कैसे निकलें? ऐसी स्थिति में क्या सीता जी को इस उपदेश की अपेक्षा थी कि तुम अशोक वाटिका में अकेली रहती हो, समय बहुत मिलता है, इसके सिवा राक्षसियों का डर रहता है, इसलिए कुछ देर राम जी को याद कर लिया करो। यह उपदेश या तो अभक्तों के लिए है
या प्रेमहीन रंग रूटों के लिए। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे भूल भी नहीं पाते, दूसरे को भी कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। प्रियतम का नाम लेने वाला, प्रियतम का गुण गाने वाला, प्रियतम का प्रेमी हृदय से आदर का पात्र, प्रेम का पात्र न हो तो कौन होगा। प्रियतम का चिन्ह ही हृदय में हर्ष पैदा कर देता है। गोपियाँ श्याम मेघों को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई मेघों का दीर्घ जीवन बनाती हैं। भरत जी श्री राम जी के पद चिन्ह और कुश शैया के तृणों को देखकर वहाँ की धूलि को और तृणों को सिर माथे पर चढ़ाने लगते हैं। श्री राम जी सीता जी के वस्त्र को हृदय से लगाते हैं। महामुनि वशिष्ठ और भरत जी गुह को अपने राम का प्रिय सखा समझकर उस पर राम के सदृश स्नेह और प्रेम दिखलाते हैं। सीता जी संदेश सुनाने वाले हनुमान जी के प्रति श्री भरत जी ऐसी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दोनों ही अपने को हनुमान जी का चिर ऋणी घोषित करते हैं। श्री राम जी के वचन हैं, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। श्री भरत जी कहते हैं, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर जब उद्धव जी ब्रज को पधारे तब श्री कृष्ण कैसे वेश में देखकर गोपियों ने उन्हें घेर लिया, और यह जानकर कि यह भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, गोपियों के हर्ष का पार न रहा और उन्होंने विनयावनत होकर प्रेम भरी लज्जापूर्ण दृष्टि से और मधुर वचनों से उनका सत्कार किया। जब तक भगवान हमारे परम प्रेमास्पद नहीं हैं तभी तक उनके स्मरण चिंतन का अभ्यास करना है। जिस दिन शुभ घड़ी में हम अपने आप को उनके चरणों पर न्योछावर कर देंगे, मन उनके मन में मिला देंगे, फिर तो हर घड़ी हमें उन्हीं की प्राणाधिक प्रिय छवि दिखलाई देगी। फिर गोपियों की भांति कविवर देव की भाषा में हम भी यह कह सकेंगे, योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को और प्राप्ति के अभाव को कहते हैं वियोग। यहाँ हमारे प्राण प्यारे नंद नंदन का नित्य संयोग है, फिर योग किस लिए साधें। वियोग ही नहीं तब योग कैसा। परंतु यह शुभ स्थिति हर एक को नसीब नहीं होती। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना सहज बात नहीं, प्रेम मुंह की चीज नहीं। प्रेम की बातें बनाने वाले बहुत मिल सकते हैं, पर प्रेम के पथ पर कोई विरला शूरवीर ही चल सकता है। जब तक जगत के भोगों में आसक्ति है, शरीर के आराम की चिंता है, यश कीर्ति का मोह है, तब तक प्रेम के पंथ की ओर निहारना भी मना है। प्रेम के मार्ग पर वही वीर चल सकता है जिसने वैराग्य के दावानल में विषय आसक्ति को सदा के लिए जला डाला हो। प्रेमिका मीराबाई जी कहती हैं, चुनरी के किए टूक ओढ़ लई लोई, मोती मूंगे उतार बन माला पोई। प्रेम के पथ पर वही पैर रख सकता है जो प्रेम मार्ग के कांटों को, फूलों की शैया, प्रेमास्पद के लिए हुए तिरस्कार को पुरस्कार और महान विपत्ति को सुख संपत्ति, अपमान को सम्मान और अयश को यश समझता है। उसका पथ ही उल्टा होता है। वह कोई ऐसा घृणित कार्य नहीं करता जिससे उसका अपमान तिरस्कार हो या विपत्ति आवे, तथापि वह अपमान तिरस्कार और विपत्ति को प्रेमास्पद के मिलन का मार्ग समझकर उसका स्वागत करता है, उनसे चिपटे रहता है,
प्रेम पंथियों को प्रेमियों के निम्नलिखित शब्द याद रखने चाहिए कि नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा सिसकिबो ये मग के विश्राम। ऐसे प्रेमी भक्त शीश उतार कर मरते नहीं, शीश उतारे फिरते हैं, परंतु प्यारे के लिए जीवन रखते हैं। मर जाए तो प्यारे को दुख हो, इसलिए जीते हुए ही मर जाते हैं, अथवा मर कर भी जीते हैं। जिनकी स्थिति ऐसी हो गई है उनको धन्य है, उनके माता पिता को धन्य है, उनके देश को धन्य है, उन्हीं का जीवन सफल होता है। ऐसा करने पर जब उन्हें प्रियतम मिल जाता है तब प्रियतम के साथ घुल मिलकर वे अपने आप को खो देते हैं। तब तो वे प्रियतम का स्वरूप ही बन जाते हैं कि तू तू करते तू भयो मुझ में रही न हूँ। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इस स्थिति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का ध्येय है। इसी के लिए भगवान ने गीता जी में आज्ञा दी है, अनित्यम सुखम लोकमिमम प्राप्य भजस्व माम। इस सुख रहित और अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर तू निरंतर मेरा भजन कर। भजन से ही उपयुक्त स्थिति प्राप्त हो सकती है। जब तक प्रेम ना हो तब तक श्रद्धा के साथ कुछ नियम बनाकर ही भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भजन करते करते ज्यों ज्यों अंतःकरण का मल नष्ट होगा त्यों ही त्यों अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। परंतु यह अटल सिद्धांत सदा स्मरण रखना चाहिए कि बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपील। जय श्री राधे। जय श्री राधे।